हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन शेफ। आज हम बनाने वाले हैं आलू सैंडविच। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन रख देंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे, तो सरसों डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे और अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे लहसुन, 4 से 5 लहसुन बारीक कटी हुई डाल देंगे। थोड़ी से अदरक कद्दूकस करी डाल देंगे और अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए थोड़ी कलर आ गया है। अब डालेंगे हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी करी डाल देंगे और अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। गाजर बारीक कटी करी डाल देंगे 3 टेबलस्पून और अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। ये शिमला मिर्च है, 2 टेबलस्पून डाल देंगे और अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टमाटर बारीक कटी करी डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से क्या है ना, सब्जी पक जाता है जल्दी। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ी मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जो कि सब्जी और थोड़ा पक जाएगा अच्छा से। अब 2 मिनट हो गया है, अब ढक्कन निकाल देते हैं। देखिए सब्जी अच्छा से पक गया है। अब डालेंगे आलू, ये मीडियम साइज की 2 व 3 आलू लिया था मैंने, बॉईल करके ले लीजिए और उसको मैश कर लीजिए। अब उसमें डाल देंगे, डाल कर अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए तैयार है हमारा आलू मसाला। अब उसमें डाल देंगे हरी धनिया पत्ता बारीक कट करी डाल देंगे और डालने के बाद अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बनाएंगे सैंडविच के लिए थोड़ी हरी चटनी। हरी चटनी के लिए ले लेंगे 1 इंच की अदरक, 4 से 5 लहसुन और थोड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून कच्चा मूंगफली ले लेंगे। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी जग ले लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून मूंगफली डाल देंगे, 4 से 5 लहसुन डाल देंगे, 1 इंच की अदरक ले लेंगे और उसको थोड़ी बारीक कट करी डाल देंगे। अब धनिया डाल देंगे, उसको भी कट करी डाल देंगे। अब डालेंगे 2 हरी मिर्च डाल देंगे। अब डाल देंगे 1 नींबू की जूस डाल देंगे। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक 1/2 टीस्पून। अब थोड़ी पानी डाल देंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। पानी ज़्यादा डालने से पतला हो जाता है, किंतु पतला नहीं करेंगे, ये चटनी गाढ़ा करेंगे। अब मिक्स करने के लिए ढक्कन लगा देंगे और मिक्स कर लेंगे। आपने मूंगफली जगह में एक ही ब्रेड भी डाल सकते हो, क्योंकि ये गाढ़ा होना चाहिए चटनी। देखिए मिक्स हो गया है, अब देखिए गाढ़ा हो गया है। चटनी गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि वो ब्रेड में लगाएंगे ना, इसीलिए गाढ़ा ही चाहिए। अब देखिए एक ही कटोरी में निकाल देंगे। अब लाल चटनी के लिए थोड़ी टमाटर सॉस ले लेंगे और उसमें रेड चिली सॉस 1/2 टेबलस्पून डाल देंगे। टमाटर सॉस में चिली सॉस भी डाल देंगे और अच्छा तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गया है। और ब्रेड ले लेंगे, देखिए ब्रेड मैंने 6 ब्रेड लिया है और टमाटर सॉस और हरी चटनी लिया है। अब सैंडविच तैयार कर लेंगे। देखिए 2 ब्रेड ले लेंगे, एक ही में हरी चटनी लगा देंगे और अच्छा से लगा देंगे। देखिए ऐसा अच्छा से लगा दीजिए। देखिए दूसरा ब्रेड में लगा देंगे सॉस और अच्छा तरह से लगा देंगे। टमाटर की सॉस लिया है, उसमें रेड चिली सॉस भी डाला है, खट्टी मीठी तीखी भी होता है। देखिए दोनों ब्रेड में लगा दिया है। अब आलू जो मसाला बना हुआ है ना, वो लगा देंगे।
देखिए हरी चटनी जो लगा हुआ ब्रेड है ना उसमें आलू मसाला लगा देंगे। अब ठंडी मौसम है ना, शाम को टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए तो मन होता है, इसलिए ऐसे सैंडविच बना दीजिए और सर्व कर लीजिए। अब देखिए आलू मसाला लगा दिया है, अब दूसरा ब्रेड में जो सॉस लगा हुआ है ना उसके ऊपर चिपका देंगे। और देखिए सैंडविच हमारा तैयार है। अब घी लगाएंगे, घी अच्छे से लगा देंगे। घी जगह में बटर भी लगा सकते हो और घी में अच्छा लगता है। हो गया है, अब एक ही प्लेट में रख देंगे और जो दूसरा ब्रेड है ना वो ब्रेड है ऐसे बना देंगे। अब तवा गर्म करने के लिए रख देंगे। देखिए तवा गर्म हो गया है, अब घी लगा देंगे। घी जगह में बटर भी लगा सकते हो। नीचे के साइड में तवा पे रख देंगे क्योंकि ऊपर वाला में घी लगा हुआ है और नीचे वाला में घी नहीं लगाया था इसीलिए। और देखिए अब पलट दीजिए, दोनों तरफ से सेक लीजिए। और देखिए सेकने के बाद ना कच्ची में ऐसे करेंगे तो आवाज भी आता है, और अच्छा तरीके से सेक लीजिए। और देखिए बन गया हमारा सैंडविच। अब एक प्लेट में निकाल देंगे और एक ही सैंडविच ना डिवाइड कर लेंगे। और देखिए अच्छा से कट कर लीजिए। और देखिए अच्छा से बन गया है हमारा सैंडविच। और जितने सैंडविच है ना ऐसे कट कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे, हरी चटनी के साथ टमाटर सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर।